आई होप कि मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में जाऊं, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। और इस सवाल का कोई जवाब दे दे कि किसी एक साहबी को भी पूरी तरह जानते हो या साहबिया को, सोचे जरा सबसे मशहूर साहबिया कौन है लड़कियों में? आयशा और खदीजा और फातिमा। आप में से कोई एक लड़की बता दे कि इन तीनों खवातीन में से डेथ के वक्त तीनों में से किसी की एज बता आपको। जी हालात है हमारे, फिक्र नहीं करें, इनको भी नहीं पता। हमें यही नहीं पता कि जन्नत की सरदार फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, हमें यही नहीं पता उनकी उम्र कितनी है। तुक्के नहीं मारे, तुक्के नहीं मारे, रुके रुके, जिनके काम आनी है उनसे तो पूछ रहे। मैं क्यों आपसे, आपको पता ना क्यों पूछ? आपको मरियम नवाज शरीफ की बातें सारी पता हैं। आप पता चला कंपैरिजन में कि मसला क्या है असल में, जिसको फॉलो करते हैं उसके कपड़ों के डिजाइनर भी पता होते हैं आपको, और रेट भी पता होते हैं कितने का कपड़ा कब पहना है उसने। इसलिए हम कौमी तराना पे तो खड़े हो जाएंगे, जो असली तराना ना हमारा अजान, उसके लिए हमसे खड़ा नहीं हो जा रहा। जो असली कौम है हम, उसका तराना पांच दफा बजता है, जिस तरह ये तराना बजे अभी नहीं, आवाज नहीं आती, आती है हम सबको, मगर इसमें सेंस ऑफ प्राइड आ रही होती है, पाक सर जमीन शाद बाद, सेंस ऑफ प्राइड है, और अल्लाह अकबर की आवाज आ रही होती है, जो असली तराना है मेरा और आपका, उसके ऊपर सेंस ऑफ प्राइड नहीं आ रही होती। बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु जब अजान देते थे, साहबी कांप रहे होते थे, आंसू रिक्कत तारी होती थी, सेंस ऑफ प्राइड वही है। मैं और आप पाकिस्तान के तराने में भी रोते हैं, आप जरा इंडिया जाके पाकिस्तान का तराना सुनेंगे, मैं देखता हूं कैसे सेंस ऑफ प्राइड नहीं आती आपकी, आती है। सेंस ऑफ प्राइड इनेट है हमारे अंदर, अल्लाह ने डाली हुई है, किधर अटैच करनी है अभी मेरा और आपका मामला। सो इट इज अ प्रॉब्लम ओनली यू कैन सॉल्व। आई कैन नॉट ट्रेन यू इनटू फातिमास, यू ओनली यू योर इवन योर मदर्स कैन नॉट ट्रेन यू इनटू फातिमास नाउ। और बाय द वे, आप में से कोई भी एक बच्ची ऐसी नहीं जो बैठी हुई, इसको मैंने गलती से बच्ची कह दिया, अब बड़ी हो गई, अब आपकी, आपको, आपके कोई पेरेंट्स नहीं है, 15 साल के बाद इस्लाम में पेरेंट्स नहीं होते, यू आर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एडल्ट्स, ओके। 15 साल के लड़के के बाद, एज के बाद आपके पेरेंट्स नहीं आपके जिम्मेदार, अब आप खुद जिम्मेदार हैं। किसी भी एक बंदे को यह बहाना नहीं मिल सकता कि जी मेरे घर वालों ने ये कर दिया, अब्बा परवरिश चाचा मामा खानदान निजाम, पहले 12 साल का मसला है वो, मैंने 3 साल ग्रेस दे दी, अल्लाह ने 13वें साल सवाल करने शुरू कर देने आप मेरे से। जिस बंदे से खुद डायरेक्ट सवाल हो, उसके बाप के ऊपर जिम्मा किस बात का? कोई कब्र में जाकर कह सकता है या अल्लाह मेरे बाप से पूछे? ये जवाब है किसी के पास? सो यू आर रिस्पॉन्सिबल, ओनली यू। आपकी एज में अली बिन अबी तालिब ग़ज़वा बदर लड़ चुके हैं, आपकी एज में और उससे कम में अली बिन अबी तालिब ग़ज़वा बदर लड़ चुके हैं, आपकी एज में नुसैबा ग़ज़वा उहद लड़ चुकी हैं, सोचें तो सही, मेरी सीवी में क्या, अली बिन अबी तालिब की सीवी कैसी? दिस इज नॉट अ कंपैरिजन एट ऑल, बट एट लीस्ट वी हैव द विजन। असली मसला इनकॉम्पिटेंस का नहीं होता, असली मसला अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का होता, मुझे ये ही नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता। जब आपको ये पता चल जाए ना कि मुझे क्या नहीं पता, तो पहला स्टेप ले लिया, नाउ यू आर राइट राइट डायरेक्शन। आई होप सब तो खैरियत से होंगे। इस वीडियो में शेख जिस बात को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि
इस्लाम में कोई फेवरेटिज्म, नेशनलिज्म और शख्सियत परस्ती नहीं है। आपने जिसको भी फॉलो करना है वो इस्लाम के बताए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम आके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद जो भी आप मतलब दीन के लिए या फिर वतन के लिए या फिर किसी शख्स के लिए अपना अपना वो वर्क करना चाहते हैं वो इस्लाम के स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। इस तरह नहीं होती कि आप एक बाउंड्री क्रॉस कर जाएं और उसमें आप इस्लाम का भी कम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अल्लाह के दीन को भी कम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अल्लाह के कवानीन को भी कम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ना सिर्फ खुद कम्प्रोमाइज़ कर रहे हो बल्कि जहाँ पे भी देख रहे हो कि अल्लाह के कानून को तोड़ा जा रहा है और उनको कम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, आप भी उसमें शामिल हो जाएं। इस तरह नहीं हो सकता। इस्लाम के एक मुसलमान की मुस्लिम आइडेंटिटी इस चीज़ को गवारा नहीं करती। और जो दूसरी बात शेख इस वीडियो में ये कर रहे हैं कि आप वतन के तराने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, कौमी तराने के लिए खड़े हो जाते हैं, मगर अजान के लिए खड़े होते हुए आपको कोई मसला बन जाता है। और आजकल के लिबरल्स को भी और सो कॉल्ड मुसलमानों को भी देखा जाए तो जब भी किसी इवेंट पे या फिर कहीं पे भी तराना खड़ा होता है तो वो स्ट्रेट स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, जैसे तराना उनका नाउज़ बिल्ला कोई खुदा है। और जब अजान की आवाज़ आती है अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए एक एक सायरन बजता है तो उसके लिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही गाने चल रहे होते हैं, वही म्यूज़िक चल रहा होता है, वही घर में हर चीज़ चल रही होती है, किसी को कोई कंसर्न नहीं होता। तो देख लें आप किस किस्म के मुसलमान हैं।